जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जनता का सहयोग नहीं रहेगा तो आप सेना भी लगाइएगा तो क्या होगा। तो मेन तो है कि जनता को एजुकेट करने की जरूरत है, जनता को मानसिक रूप से तैयार करने की जरूरत है। और हमने अपने अनुभव से ये देखा है कि बिहार में बिना लाठी पटके हुए सारे मंदिर बंद हो गए, सारी मस्जिदें बंद हो गईं, सारे गुरुद्वारे बंद हो गए, सारे चर्च बंद हो गए। 12 करोड़ की आबादी है तो लोगों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बहुत सहयोग मिला, बहुत समर्थन मिला। उनके समर्थन से ही अभी तक ये लॉकडाउन चला है। अब 1-2% अब करोड़, 12 करोड़ की आबादी में 2% आप निकालेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। तो 2% लोग हैं अगर बदमाशी करते हैं, उदंडता करते हैं, नहीं मानते हैं, तो उनको मनाने के लिए बिहार पुलिस काफ़ी है, हमारे पास कानून है। हम अभी बचाते रहे हैं लेकिन अब हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमे कर करके उनको जेल भेजेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे और उनका नाम गुंडा रजिस्टर में डाल देंगे। अब ये करना पड़ेगा। सर, सीतामढ़ी के एक एसपी का लेटर वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि नहीं नहीं वो उसको गलत मिस इंटरप्रेट किया गया है। उनका मतलब इतना ही था कि रोजा का समय है, कहीं ऐसा नहीं कि बुजुर्ग आदमी कहीं जा रहा हो पुलिस लाठी ठोक दे, इतना ही मतलब था, इससे बचना चाहिए। सर, नालंदा में एक एसआई ने जो है मरीज को अपना ब्लड डोनेट किया है, नालंदा में किया है, उस पुलिस पदाधिक बेन की थाना प्रभारी है, नाम है उसका पिंकी प्रसाद। ये मैंने न्यूज में कल देखा, अभी 10 मिनट पहले मैंने दूरभाष पर उससे बात किया और उसको बहुत इसके लिए बधाई दी है। और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो जो हमारे चुने हुए पुलिसकर्मी सम्मानित होने वाले हैं, कोरोना वीर सम्मान देने वाले हैं, उसमें उस महिला अधिकारी का भी नाम होगा।